एक एक व्यक्ति मुझे मिले, बोले अब मुझे भगवान पर विश्वास हो गया, अब हो गया। तो मैंने कहा कहाँ मिल गए भगवान? देखा होगा तभी तो विश्वास हुआ होगा, बिना देखे तो विश्वास करने वाले आप हैं नहीं, तो कहाँ देख लिया आपने? बोले नहीं देखा नहीं, मैंने कहा था 6 महीने में लड़के की नौकरी लग जाए, लग गई। जिस विश्वास का आधार संसार है वो विश्वास कै दिन टिकेगा? विश्वास का आधार संसार नहीं होता, विश्वास का आधार गुरुजनों का दिया हुआ संस्कार होता है। जिसे विश्वास होता है प्रभु में, जिसे भगवान की उस सत्ता का विश्वास होता है, साधना के पथ पर जीव आगे बढ़ पाता है, वो गुरुजनों का दिया हुआ एक संस्कार है। गुरु अपनी कृपा दृष्टि से देता है, अपने कृपा कटाक्ष से देता है, भरोसा विश्वास वो उसने अर्जित की है ना, वो संपत्ति वो थोड़ी सी आपको देता है, आपके हृदय में रख देता है, फिर आपको थोड़ी सरलता हो जाती है, सहजता होती है इस कठिन पथ पर, इस दुर्गम द्रोह पथ पर आगे बढ़ने की। वो संसार नहीं है उसका आधार, वो संसार की कसौटियों पे नहीं कसा जाता, वो गुरुजनों का दिया हुआ एक संस्कार है, गुरुजनों से मिलता है, रसिकों से मिलता है। इसीलिए भी ध्रुवदास कहते हैं कि प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। और सहज कृपा अर्थात ये बहुत गंभीरता से समझने वाला शब्द है। ध्रुवदास जी ने एक तो कृपा शब्द का प्रयोग किया और फिर केवल कृपा नहीं, सहज कृपा माने जिसके मूल में ना तो प्रार्थनाएं हैं ना याचनाएं हैं, बस कोई पड़ा है द्वार पर, हूं मचल परे हो या पौरी। बड़े चतुर है रसिक, बड़े सुजान है, इसलिए जब याचना करने का समय आता है तो क्या याचना करते हैं? जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वा, अहो विधना तो पैचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजै यही ब्रज बसिवो, अहीर के जाति समीप नंद घर, घड़ी घड़ी शाम मुख हेर हेर हसी वो। और महाप्रभु सुधानिधि में एक स्थान पर कहते हैं कि इसी प्रकार कुंजों निकुंजों में आते जाते महल राधिका का बुहारा करेंगे, और यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। इसी प्रकार कुंज निकुंजों में गमन आवागमन करते करते कभी ऐसा भी समय आएगा, कभी ऐसा भी समय आएगा जब वृषभानुकुल कौमुदी, जब वृषभानुनंदिनी ऐसे ही सहज में मुझे अपनी उस स्नेह भरी दृष्टि से देख लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि श्री प्रिया जी स्नेह भरी दृष्टि से देखने के लिए कुछ प्रयास करेंगी, उनका तो सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। और वस्तुते भी प्रार्थनाएं जो है वो तो साधारण भक्ति में भी छूट जाती हैं। प्रार्थनाओं और याचनाओं का स्थान तो साधारण भक्ति में भी नहीं है। नानक भी कहते हैं बिन बोलिया सब किछ जानदा, अन बोलत मेरी वृथा जानी अपना नाम जपाया, और कहे नानक गुरु बंधन काटे बिछुरत आन मिलाया। तो प्रार्थना याचना तो सहज भक्ति में भी छूट जाती है, ये तो प्रेम का प्रवाह है, ये तो प्रेम का प्रवाह है। यहां तो श्वास संभल कर बोलिए बस डोलिए नैन की कोर, यहां तो आकर पड़ रही है। और ये कठिन है बाप, ये सरल नहीं है, कुछ किए बिना रहना ये सबसे कठिन है। करना सरल है और करके भरना सरल है, पर बिना कुछ किए रहना, इसीलिए मैंने कहा इस विश्वास का आधार संसार नहीं है, इस विश्वास का आधार गुरुजनों का दिया हुआ संस्कार है। जब महाप्रसाद की बात आती है, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। व्यास जी लिखते हैं कोटि कोटि एकादशी और महाप्रसाद को अंश, सब लोग सुनते हैं समझते हैं, और मैं पूरे भारत भर में जहां मुझे अवसर मिलता है प्रसंग आता है तो मैं कह भी देता हूं, और आज तक कोई मुझसे प्रश्न करने नहीं आया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं जो कह रहा हूं वो शास्त्र सम्मत है, मैं शास्त्र की सम्मति से इधर उधर होकर नहीं कह रहा, शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। पर फिर भी एकादशी की निष्ठा नहीं जाती, एकादशी के दिन कोई दे दे आपको खीर खाने के लिए, तो कहां मन में आता है कि भाई एकादशी कैसे खीर खा ले, कैसे खा ले? तो व्यास जी कह रहे कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, लेकिन ये विश्वास कहां से आता है?
व्यास जी आगे स्पष्ट कर देते हैं, व्यास ही ये प्रतीति है जिनके गुरु हरिवंश, जिसको जिसको आचार्य की कृपा से संस्कार मिला है, जिसको आचार्य की कृपा से वो विश्वास रूपी धन मिला है, वो ढाल पाता है अपने आप को, वो अनुकूल अनुरूप बना पाता है स्वयं को अपने इष्ट के। तो सबसे पहली बात कि कृपा कटाक्ष की याचना है, केवल उस कृपा की कोर की, कि एक बार कृपा भरी दृष्टि से देख ले श्री वृषभानु नंदिनी आपको मुझे, कभी तो लाडली पूछेगी। रसिक कह रहा है, अरे कभी तो लाडली पूछेगी कौन पर्यो दरबार। एक साधारण व्यक्ति के द्वार पर भी कोई जाकर पड़ जाए तो वो सुध लेता है उसकी, वो खबर लेता है उसकी, भूखा प्यासा हो तो भोजन देता है और तन ढका ना हो तो वस्त्र देता है, रोगी हो तो औषधि देता है। एक साधारण उदार व्यक्ति के द्वार पर भी कोई चला जाए तो निराश नहीं होता। और यहां सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जुको मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। यहां तो उनके द्वार पर आप और मैं आ गए, उस इस ओर आना, विचार करना, इस ओर आना, कहीं किंचित मन में संकल्प उठना कि वृंदावन जाना है, कुछ दिन श्रवण कर रहा है श्री प्रिया जी का यश, बहती है एक एक पवन संसार में भी कृपा की पवन, और स्वामी जी उसी कृपा की पवन को नमन करते हुए कहते हैं, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी, काऊ की बसना है। और कृपा कटाक्ष की याचना करने वाला कौन है, इस स्तोत्र की बड़ी अद्भुत महत्ता है, और वो महत्ता क्यों है, क्योंकि ये स्तोत्र किसी कवि की कविता नहीं है, ये राधा कृपा कटाक्ष, ये कृपा की प्रार्थना, ये कृपा की याचना आपके मेरे जैसे किसी जीव की याचना नहीं है, ये कृपा की याचना ईश्वर कर रहा है। इस कृपा कटाक्ष की अभिलाषा ईश्वर की अभिलाषा है, ईश्वर जो ईश्वर है, जो षडेश्वर्य पूर्ण भगवान है, वो इस कृपा कटाक्ष की याचना कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जान गया है, समझ गया है कि जीवन का जो रस है प्रेम है, जीवन का रस प्रेम है, ईश्वरता जीवन का रस नहीं है। ऊंचे आसन पर बैठ जाने में आत्मा को सुख नहीं है, आपके मन बुद्धि थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए हर्षित आनंदित हो सकते हैं, ऊंचे आसन पर बैठ कर आप बड़े लब्ध प्रतिष्ठ हो जाओ, बड़ी आपकी जय जयकार होती हो तो मन बुद्धि का मनोरंजन तो इससे हो सकता है, लेकिन आत्मा का सुख इसमें नहीं है। उसी आत्मा के सुख की प्राप्ति के लिए जाहि लहे कछु लेन की चाह न ही में होए, जिसे पाकर फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता, जिसको नारद तृप्तो भवति यल्लब्धवापमान तृप्तो भवति कहकर प्रकीर्तित करते हैं, जिसको पा लेने के बाद फिर पाना शेष नहीं रहता, जिसको पाते ही, जिसका स्पर्श करते ही पहला भाव मन में क्या आता है। मुझसे किसी ने पूछा, कैसे पता चले कि हमारे हृदय में भी भगवत प्रेम स्फुरित हो रहा है, क्या खबर पड़, कैसे खबर पड़े उसकी, कैसे पता चले हमको। तो मैंने कहा सबसे पहली कसौटी यह है कि बस जहां पर आते ही प्रेम का स्पर्श होते ही ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करिमा, जन्म सुफल करिमा। प्रेम का स्पर्श होते ही महाप्रभु के ओठ हिलते हैं, लेकिन प्रार्थना और याचना के लिए नहीं, हो बलि जाऊं नागरी श्याम ऐसे ही रंग करो निसीवासर। ये जो महाप्रभु के कही ये पंक्ति है मुझे अतिशय प्रिय है, कि जैसे जैसे कोई भरा पूरा हृदय है ना, जिसका रोम रोम भरा है किसी आनंद से, किसी सुख से, और वो प्रिया प्रीतम को सुख बिलसता हुआ देखता है और कहता है बस ऐसे ही रंग करो निसीवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम, हो बलि जाऊं नागरी श्याम। तो आपको और मुझे तो कृपा कटाक्ष की याचना करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप पर और मुझ पर तो प्रिया प्रीतम का कृपा कटाक्ष हो गया तभी आप और मैं यहां पर आकर बैठे, नहीं तो आना संभव नहीं था। पर मैं निवेदन ये कर रहा था कि महादेव के इस स्तोत्र की बड़ी अद्भुत महत्ता है, क्योंकि किसी जीव या किसी कवि की कविता नहीं है, ईश्वर का स्वर है, वो ईश्वर जो ऐश्वर्य परम ऐश्वर्य पाकर भी
देखता होगा अपने भीतर कि कहीं कुछ पाना शेष रह गया, जिसको रसखान बड़े सीधे सरल शब्दों में कह देते हैं, जिसको रसखान सीधे शब्दों में कह देते हैं कि कहा रसखान, अरे कहा रसखान भाई, संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल, कहा सोए बीच जल, और कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, जप बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए बीस बार, अरे बूझत लवार को, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पाए हो दरबार या नंद के कुमार को। इसने वृंदावन में मुस्कुराते इन इन राधा वल्लभ कुंज बिहारी को नहीं देखा, उसने क्या पाया, कहीं समझ गए महादेव, भाई महादेव सा रसिक कोई नहीं है, इसीलिए इसीलिए उनको उनको कृपा कटाक्ष की याचना करने के लिए द्वार पर भिक्षुक बनने में भी संकोच नहीं होता। बाल कृष्ण लाल की छवि का दर्शन करने के लिए कितना प्रतीक्षा किया, वहां आप जाकर दर्शन करिए, एक जगह पर आपको आशेश्वर महादेव का दर्शन होता है, होता है ना बाबा, कि आशा लगाए बैठे हैं भोले बाबा कि एक बार उस बाल स्वरूप का, उस बाल कृष्ण लाल का दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊं, मैया दर्शन नहीं कराती, और महादेव उस रसानुभूति के लिए, उस रसोपलब्धि के लिए द्वार पर भिक्षुक बनने में भी संकोच नहीं करते। एक जोगी खड़ा है तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। उधर तानसेन कहता है चलो सखी सौतन के घर जाइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता, सौतन के घर जाइए। अरे मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए, नहीं तो ये जोवन अंजुरी को पानी और समय गए पछताइए। चलो रियाली ब्रिजराज मुख निरखिए, अरे जगत की लाज सुन काज कहा सरे, बहुत कोई कहे गो शाम के ढिंग गई, अरे याते अधिक कोई और कहा कहे। हो सकता है आप में से भी किसी को सुनकर आना पड़ा हो कि बस हर दूसरे चौथे दिन चल दिए वृंदावन, चल दिए वृंदावन, है ना, हो सकता है सुनना पड़ा हो, सुनना ही पड़ता है, पर विचार करना अवश्य। कभी कभी ऐसा होता है कि संसार की बात प्रभावित कर देती है, संसार की बात थोड़ी पीड़ित कर देती है आपको, संसार की बात से ठेस पहुंच जाती है, पर विचार करना कि यदि वृंदावन आ रहे हो, यदि वृंदावन आए हो तो आप किसी साधारण वस्तु के लिए नहीं आए, आप उस वस्तु के लिए आए हो जिसकी अभिलाषा महादेव कर रहे हैं। कदा करिष्यसी कृपा कटाक्ष भोज। तो तृतीय श्लोक की चर्चा इस सत्र में हमें करनी है, पर पहले मैं स्पर्श करूंगा पहले और दूसरे श्लोक के भाव को, ताकि जो प्रथम बार श्रवण कर रहे हैं उनको भी अनुकूलता हो, और जो पहले श्रवण करते आए हैं वो भी एक बार उस भाव में पुनः अवगाहन कर लें। तो सर्वप्रथम आरंभ करते महादेव, और इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण है ये स्तोत्र काव्य, क्योंकि ईश्वर का स्वर है, ईश्वर का स्वर है, एक एक शब्द संकेत करेगा, एक एक शब्द प्रतिष्ठा करेगा किसी अद्भुत सिद्धांत की। और आरंभ किया महादेव ने, मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू। सर्वप्रथम श्री प्रिया जी के ऐश्वर्य का स्मरण हो आया महादेव को, विचार किया कि किसकी स्तुति करने जा रहा हूं, जो मुनीन्द्र वृंद वंदिता है, यत पादाम्बुर है एक रेणु कणिकाम, श्री महाप्रभु सुधा निधि में कहते यत पादाम्बुर है एक रेणु कणिकाम, जिनके चरण कमलों की रेणु का एक कण, मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। महाप्रभु कह रहे हैं कि ब्रह्मा आदि को जिनके चरण कमलों की रेणु प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि बहुत प्रयास करने के बाद मिलता है, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिलता,
और महाप्रभु कह रहे किस भाव से पाया जाता है, गोप्यैक भावाश्रया। और अब ध्यान देना, अब यहां से रहस्य का उद्घाटन होता है, यहां से पहली योग्यता आपको आपको समझ में आएगी कि एक रसिक हृदय की पहली योग्यता क्या हो, इस पथ पर चलने के लिए पहली आवश्यकता क्या है। महाप्रभु कह रहे गोप्यैक भावाश्रया, और गोपी कोई ब्रज के किसी कुल परिवार में जन्मी कोई स्त्री नहीं, गोपी जिसने प्रेम का गोपन किया है। कितने लोग पूछते हैं, बड़े बड़े विद्वानों से प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् भागवत में श्री राधा का नाम नहीं है। अरे सुखदेव जी महाराज तो लीला सुख हैं, सुखदेव जी महाराज तो सिर्फ प्रिया जी के लीला सुख हैं। श्री सुख प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार परम धन राधा नाम आधार। सुखदेव जी महाराज को आज्ञा दी श्री प्रिया जी ने कि मेरा तो क्या, आप किसी भी गोपांगना का नाम प्रकट नहीं करेंगे। प्रेमी कभी नहीं चाहता कि मेरा प्रेम संसार में प्रकट हो जाए। कबीर कहता है जो तेरे मन में भाव है, कबीर कहते हैं कि जो तेरे मन में भाव है तो कह कहना जनाब। अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, जिसके लिए तू भजन करता है वो जानता है। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, जो तेरे मन में भाव है तो कह कहना जनाब, कहिए मत। प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन का एकमात्र हेतु। और गोपी इस कला में निपुण पारंगत प्रवीण, वो कृष्ण को छुपाना जानती है, वो कृष्ण को दुराना जानती है, वो कृष्ण प्रेम को छिपाना जानती है। अगर उद्धव नहीं आते कभी खबर नहीं पड़ती। गोपी तो वृंदावन की सीमा से बाहर आने को भी तैयार नहीं, और कभी नहीं आई। उस प्रेम की मर्यादा की रक्षा के लिए रहती है उसी सीमा में। तो महाप्रभु कहते हैं कि प्रिया जी के चरणों की रेणु वो कणिका किसको सुलभ है, जो प्रेम को धारण करने योग्य है। और प्रेम को धारण करने योग्य कौन है, जो प्रेम का गोपन करने योग्य है। ये भजन करने वाले साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखो भजन करोगे तो थोड़ी अनुभूति होगी, अनुभूति को प्रकट न करिए। जैसे आप गुलाब के रूह की शीशी को ढक्कन खोलकर छोड़ दीजिए, वो कुछ काल में उड़ जाएगा, उसकी जो सुवास है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही देखो प्रेम भाषा है नैनों की। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये वो हकीकत है निगाहों से बयां होती। आपको मैं थोड़ा सरल करके समझा रहा हूं, प्रेम की अनुभूति कौन करता है, आप में प्रेम की अनुभूति कौन करता है? हाँ ठीक है, हुई हो तो आप बताओगे। चलो मान लो आपके वाले प्रेम की भी अनुभूति होती है तो किसे होती है? माने आंख को होती है, कान को होती है, लिवर को होती है, किडनी को होती है, किसको होती है? हृदय को होती है ना। प्रेम की अनुभूति हृदय करता है, प्रेम की अनुभूति के लिए हृदय चाहिए। और प्रेम प्रकट कहां से होता है, ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। प्रेम की बात कौन करता है, नेत्र करते हैं, नैन करते हैं, नैन ही कहते हैं, नैन ही सुनते हैं और नैन ही समझते हैं। तभी तो आप जो मंदिर में जाकर इतनी लंबी प्रार्थना करते हो बिहारी जी के सन्मुख, राधा वल्लभ जी के सन्मुख, सब बेकार। हाँ मैं तो कह रहा हूं सब बेकार, ना तो वो भाषा सुनते हैं ना समझते हैं, वो तो आपको देख के बस मुस्कुराते रहते हैं। बस आपको लगता है कि बिहारी जी ने सुन ली, अब लगवाओ छप्पन भोग, अब लगवा दो बंगला, सुन ली बिहारी जी ने। बिहारी जी को ये भाषा ही समझ में नहीं आती। अब बिहारी जी तो इसलिए मुस्कुराते होंगे कि भाई इसका काम तो यूं भी बन जाता, चलो छप्पन भोग और लगा गया। हाँ ये वो हकीकत है निगाहों से बयां होती है। तो अनुभूति होती है हृदय को और प्रकट करते हैं नेत्र। पर हृदय और नेत्रों के बीच में क्या है, जिह्वा है। यदि यहां पर नियंत्रण न हो, यदि जिह्वा पर संयम न हो, तो नेत्रों तक पहुंचने से पहले ही वो प्रेम की धारा बहिर्मुखी होती, बाहर बह जाती है, नेत्रों तक पहुंचती नहीं। इसीलिए रसानुभूति नहीं होती, इसीलिए जो 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 अनुभूति है वो जीवन में स्थिर नहीं होती।
वो जो आपका ही अनुभव है, जो आज आपको इतना आनंद दे रहा है, कुछ काल के बाद आपका ही मन निरस हो जाता है, क्या कारण है? आपके पात्र में कृपा के कुछ बिंदु पड़े, आपको रसानुभूति होने लगी। देखो भाई, एक बात गांठ बांध लो, आप राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन करते हो, यदि आपको आनंद आ रहा है दर्शन करने में, अब ये ईमानदारी आप रखना, यदि आपको आनंद आ रहा है दर्शन करने में, तो समझ लेना कि सिर्फ आप ही उनको नहीं देख रहे, वो भी आपको देख रहे, तभी आनंद आ रहा है, नहीं तो आनंद नहीं आवे। और यदि आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, तो आनंद देने वाला तो सत्य है, सनातन है, शाश्वत है, और उसके द्वारा मिलने वाला आनंद भी सत्य होना चाहिए, सनातन होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, लेकिन वो सदा क्यों नहीं रहता? जो अनुभूति आपको कभी होती है, क्षण के लिए होती है, वो क्यों नहीं रहती? इसका मतलब पात्र में कहीं छिद्र है, वो रस बह जाता है कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कह देते हैं आप, कहीं ना कहीं आपका मन मुखर हो जाता है, प्रेम की भाषा मौन है, प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है, खामोशी है सुनती है कहा करती है। तो जो सबसे पहला गुण हो एक रसिक उपासक में, एक रसोपासक में, उसे मन से मौन रहना आता हो, उसे अनुभूति को पचाना आता हो, भजन को पचाना ही भजन को बचाना है, जिसे मौन रहना आता हो, गोप्येक भावाश्रया, और गोपी का भाव क्या है? जो गोपन करना जानती है, जो छिपाना जानती है, दुराना जानती है स्वयं को। और अभी तो क्या है, नेक सी कोई कोई उपलब्धि हो तो आप उसको प्रकट करते हैं, यहां वहां जैसे तैसे पता चल जाता है, आपकी चेष्टा से पता चल जाता है। तो पहला गुण रसोपासक में हो कि उसे मौन रहना आता हो। तो महादेव श्री प्रिया जी के उस प्रभाव का स्मरण करते कि कौन है आप, मुनींद्र वृंद वंदिते, जो सबकी आराध्या है, जो सबकी इष्ट है, जो ईश्वर की भी इष्ट है, जो भगवान की भी भगवान है, जो ईश्वर की ईश्वरी है, उनकी स्तुति करता हूं, उनकी वंदना करता हूं। और ध्रुवदास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। ध्रुवदास जी के मन ने कहा कि क्यों भाई, जो अनिर्वचनीय है, मन वाणी को जिसको स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, उसको तू वाणी से क्यों स्पर्श करना चाहता है, किसके बल पर ऐसा साहस कर रहा है? तो ध्रुवदास जी अपने मन को ही उत्तर देते हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। श्री प्रिया जी का नाम लेते लेते क्या हुआ, प्रिया जी के किंचित स्वभाव का, स्वभाव से परिचय हो गया। करुणा निधि मृदु चित अति ताते बढ़ी जिया। आप देखो स्वामी बहुत सरल स्वभाव का हो ना, तो सेवक के रंग ढंग बदल जाते हैं। स्वामी बहुत सरल स्वभाव का हो, स्वामी को तो हमारे जैसा ही होना पड़ता है, मजाले को हिल तो जाए। तो बहुत सरल स्वभाव का स्वामी हो तो फिर सेवक के रंग ढंग बदल जाते। ध्रुवदास जी कह रहे, कुमरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास और करुणा निधि मृदु चित्त अति, बस ताते बढ़ी जिए आस। इसलिए न करने योग्य कार्य करने जा रहा हूं, इसलिए दृष्टता कर रहा हूं श्री प्रिया जी के रूप और गुण का वर्णन करने की। अरे कुछ ऐसी ही अनुभूति महादेव को भी हुई, मुनिन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारी। प्रसन्न त्रिपन्मंतजे विकुंज भूविदासी ब्रजेन्द्र भानुनंदन ब्रजेन्द्र सूनु संगत
करा करिष सिंहमा इसलिए मैंने कहा एक एक शब्द कान से अपने हृदय में उतारते हुए आगे बढ़ना। कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, किससे कह रहा है? त्रिलोक शोक हारिणी, इस त्रिभुवन में कहीं भी किंचित यदि सुख रस का लेश है तो उसकी मूल सत्ता, उसका मूल आधार राधा है। इस सृष्टि में जितना सुख है, इस सृष्टि में जितना रूप रस गंध है, इस सृष्टि में जो कुछ सुंदर है, इस सृष्टि में जितना रूप लावण्य बिखरा है, ये हरी हरी सुकोमल कोपले, ये वृक्षों पर लदे हुए सहस्त्र सहस्त्र पुष्प गुच्छ, ये सुंदर फल, ये रसीले मधुर फल, ये जो कुछ सुंदर है, जो कुछ सरस है, जो कुछ मधुर है, जो कुछ हृदय को प्रिय लगता है, उसका आधार राधा है। त्रिलोक शोक हरिणी, त्रिभुवन में जो सुख है उसकी आधार श्री राधा है। और बस स्वरूप का स्मरण करते ही सर्वप्रथम महादेव के सन्मुख क्या आया? प्रसन्न वक्त्र पंकजे, श्री प्रिया जी का मुख कमल। प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। और श्री राधा भी कौन सी राधा? निकुंज की सीमा में, निकुंज की सीमा में विहार करने वाली राधा, जहां ये अभिलाष लड़ती मो, जहां तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चको। यहां अपने प्रियतम के संग सदा सुख से विराजती हैं आप, उसी निकुंज की सीमा में जाकर महादेव स्तुति कर रहे हैं। देखो भाई, आप इसको पक्षपात भले समझो, पर इस त्रिभुवन में कहीं अगर वास्तविक सुख है, कहीं वास्तविक अगर रस है भाई, देखो मैंने पहले भी कई बार कहा, जिसने कभी सोना देखा ना हो, उसको कोई स्वर्ण आभूषण की कल्पना करने के लिए कहे तो वह बेचारा क्या करेगा, बुद्धि की खींचता नहीं तो करेगा, और ठीक कर नहीं पाएगा। सब कुछ करने के बाद भी ठीक से वो उस आभूषण की कल्पना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने कभी स्वर्ण देखा नहीं। ऐसे जिसने कभी सुखानुभूति न की हो, वो सुख की कल्पना क्या करेगा, खींचतान कर करेगा, और अंततः जो कल्पना करेगा वो सुख नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी सुखानुभूति नहीं की। सुख तो भाई वृंदावन के रसिकों ने पाया है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो नित गोकुल गाम के ग्वार, जो पशु हो तो चलो करो चरो नित नंद की धेनु मझा। अरे 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 प्रभु, इतनी भी योग्यता मुझ में ना हो, पाहन हो तो वही गिरी को, मैं तो जड़ हूं, और यदि 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 मेरे भाग्य में जड़ ही रहना लिखा है तो भी, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कर धर्यो कर छत्र पुरंदर धा। यदि यदि मेरे भाग्य में जड़ ही रहना लिखा है तो फिर मुझे जड़ पत्थर भी करिएगा तो उसी गिरिराज का करिएगा, जो कभी आपने अपने कर कमलों पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदंब किरा। देखो जब हरिराम व्यास बोलते हैं तो कोई पंडित नहीं बोलता, तब चारों वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण बोल रहे हैं, दिग्विजयी पंडित जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, और हरि राम व्यास कहते हैं, खग मृग पशु पंछिया बन के, खग मृग पशु पंछिया बन के,
चरण शरण रख लीजे लाडली। साहस नहीं कर पाते। गुलम लता होए सिर धरे वृंदावन रज नित्य। कोई तरु लता, कोई पशु पंछी कर दीजिए यहां का। और ये याचना किसकी है? शिव विधि उद्धव सबन के ये आशा रहे चित्त। शिव विधि उद्धव सबन व्यास स्वामी ने की छवि निरखू। व्यास स्वामी ने की छवि निरखू। महल टहल नी कीजे स्वामी ने। जब भी चार पांच दिन का जो समय होता है चर्चा का, तो किसी एक भाव को केंद्र में रखकर फिर उसके चारों ओर किसी भी भाव में रमण करते रहते हैं। तो कृपा कटाक्ष की याचना है इसी भाव को केंद्र में रखकर कि अब का फागुन तो हमारे लिए भी ऐसा फागुन सिद्ध हो जाए कि जीवन भर आप और मैं गा सकें। फागुन रे फागुन तो लाख बधाई। किसी ने भी वृंदा विपिन रहूं श्री स्वामी ने ऐसा नहीं कहा। वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी। वृंदा विपिन बसो श्री स्वामी। छाड़ जगत की बाधा।
कभी वो प्रसन्नता होती है, कभी वो आह्लाद होता है, कभी कभी अप्रसन्नता भी होती है, कभी आकर्षण होता है, कभी विकर्षण होता है। पर श्री प्रिया जी के निकट जाते ही जो सबसे प्रथम अनुभव होता है वो है कि तन मन प्राण फूल जाते हैं आनंद से। ध्रुवदास जी कहते फूल जहां तहां देखिए, श्री वृंदावन माही द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। और ठाकुर जी तो भाई बहुत रुलाते हैं, वहां तो रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपियां रो रही हैं, चल्ला रही हैं बेचारी, और कुंज कुंज डोल रही हैं, भटक रही हैं। तो ये एक अलग रस है, वो श्री कृष्ण के निकट जाते ही वो एक अलग रसानुभूति। और यहां श्री प्रिया जी के निकट आते ही, अब हम इस तरफ के हैं आप ऐसा मत समझना, मैं अपनी एक भी बात नहीं कहूंगा यहां, जो रसिकों की बात है। और सबसे पहले मैंने कहा कि ये तो महादेव के शब्द हैं, जो प्रथम अनुभूति महादेव को, जैसे ही सिर झुकाया, प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भुविला, प्रसन्न वक्त्र पंकज, तन मन प्राण आनंद से, हर्ष से, उल्लास से भर गए महादेव के। नेक हुना रिस केहू भूले हुना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हांसी है। ठाकुर जी को तो कभी कभी क्रोध आता है, ऐसा सुना है, कभी कभी आ जाता है उनको, पर हमारी किशोरी जी को नहीं आया। ये विकार उनका कभी स्पर्श नहीं करता। रहत प्रसन्न सदा ही मुख हांसी है, और ये जो प्रसन्नता है ये केवल मुख पर नहीं रहती। अब आप और मैं तो ऐसा भी कर लेते हैं ना, मन रो रहा है मुख से आइए, ऐसा होता है ना, आप और मैं तो खूब निपुण है इस कला में, पर हमारी किशोरी जी ऐसी नहीं है। रहत प्रसन्न सदा ही मुख हांसी है, कि जैसा मुख प्रसन्न है वैसा ही उनका हृदय भी प्रसन्न है। जब महादेव ने कहा प्रसन्न वक्त्र पंकजे, अर्थात ही हृदय की ही प्रसन्नता है जो मुख पर प्रकट हो रही है। लेकिन महादेव स्तुति किस राधा की करते हैं, निकुंज भूविलासिनी, जहां पर रस स्थिर है, जिसे मेरे महाप्रभु कहते हैं चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, और दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। तो मेरे महाप्रभु कहते अगर रस कहीं पर स्थिर है, अगाध अबाध कहीं पर बह रहा है, तो वो वृंदावन की सीमा है। और बस प्रेम दरीची जो कबहूं सहज कृपा खुली जाए। नागरिया पे लेख धरो तुम, 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 ओए सकल सुख साधा अब बाबा के चरणों में बैठा था, तो बाबा अपने किसी भाव में थे। भगवत रसिक देव जी का पद है परस्पर दो चकोर दो चंदा, कि दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंद्रमा हैं, चकोरवत एक दूसरे के मुख चंद्र का सतत पान करते हैं। बहुत बरस पहले की बात हो गई, तो मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा प्रिया प्रीतम जो एक दूसरे को ही देखते रह में, तो सखियन पर कृपा दृष्टि कैसे होती होगी? तो आप तो जी कहो कि वो उनको देखें, वो उनको देखें, तो हमको कब देखेंगे? मेरे मन में प्रश्न हुआ, यदि सतत प्रिया प्रीतम परस्पर मुखचंद्र का ही दर्शन करते हैं, फिर हम तो उस कृपा भरी स्नेह भरी दृष्टि से सदा वंचित रह जाएं? तो बाबा हंस दिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा कभी बताऊंगा, लेकिन मेरे मन में प्रश्न चलता रहा। और फिर यह भी साथ में कह दिया गया कि उनसे कभी कहना नहीं कि हमारी ओर देखिए, ऐसे ही रंग करो निसिवासर वृंदा विपिन कुटी अभिराम, फिर हमारी बारी कब आएगी?
तो एक दिन बाबा जमुना किनारे बैठे थे तो बोले कभी कभी प्रिया जी मान कर ले, और काहे के ताई कर ले, मान कर ले और अपनो मुख चंद्र इतबित को कर ले, प्रीतम की ओर ना देखें। तो प्रीतम उनको चिबुक पकड़ के जब मनावे सहलावे दुलरावे और बस वो इत से उत देखबे में प्रिया जी सब सखियन पे कृपा कर दें। तो जो प्रिया जी को मान है वो हम सब सखियन पे कृपा करवे के ताई है, जिसका मान भी कृपा है, जिसका मान भी कृपा है, यहां उसकी कृपा कटाक्ष की याचना महादेव करते हैं। अब तो कृपा करो श्री राम, अब तो कृपा करो श्री राम, अब तो कृपा करो श्री राम, अब तो कृपा करो श्री राम। विपिन बसो श्री स्वामी वृंदा, यहीं बैठे होगे मन कहीं और होगा, फिर धूल पड़ जाएगी संसार के चिंतन की। तो आप और मैं ऐसे ही, मुझसे एक बार किसी ने कहा बोले माला करें तो मन दुकान में जाता है, क्या करें? बोले माला करता हूं तो मन दुकान में जाता है, क्या करूं? तो मैंने कहा बदला लो मन से। बोले वो कैसे? मैंने कहा दुकान में हो तो मन को माला में ले आओ, हिसाब बराबर। माला में मन दुकान में जाए तो दुकान में मन माला में लगाइए, यही युक्ति है और इसी युक्ति से मुक्ति है। जाए मन अवसर समझिए, फिर गोता लगाएंगे आप और मैं। श्री राधा 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 दादा।
निकुंज अर्थात जहां कभी रस में विरस ना हो, जहां कभी भी रस की भावना का बाध ना हो। इसलिए निकुंज किसी किसी भूमि खंड का नाम नहीं है। निकुंज भावना की एक एक दशा है, भाव दशा है। निकुंज भावना का, चेतना का एक स्तर है जहां पहुंचकर आप सतत मन सावाचा कर्मणा, व्हेन योर लाइफ एनर्जी इज अलाइंड, जब मन सावाचा कर्मणा आप अपने इष्ट के अनुकूल अनुरूप हो जाते हैं। सूरदास कहते हैं चकैरी चल चरण सरोवर, जहां नहीं प्रेम वियोग, जहां फिर कभी मिलकर बिछुड़ना नहीं होता। जो रस सबते दूर, निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर कियो प्रगट हरिवंश जु रसिकन जीवन मूर। एक बड़ी पते की बात ध्रुवदास जी ने कही बा कि सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। जहां से आज हमने चर्चा में प्रवेश किया कि एकमात्र कृपा ही आधार है, कृपा ही हेतु है, कृपा ही कारण है और कृपा ही सिद्धि भी है। तो मैंने देखा कि और भी बहुत लोग गाते हैं ये पंक्तियां कि एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए, पर ये आधी बात है। ध्रुवदास जी ने आगे स्पष्ट किया कि सो कृपा अति सुगम नहीं। श्री जी की कृपा से साधन सदेगा तो ठीक है, पर कृपा कैसे होगी? वो इतना सरल सुगम नहीं है, उस ओर मन भी नहीं जाता। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम में। इसीलिए मैंने कहा आप यहां तक आ गए, बैठ गए, सुन रहे हो, सुनोगे, ये कृपा के प्रवाह में बहकर आए हो। कभी कभी किसी समय छोड़ दिया होगा आपने अपना वो झूठा अहम, कभी आत्मविसर्जन हुआ होगा एक क्षण के लिए आपका, एक क्षणार्ध के लिए। कोई एक क्षण आया होगा निश्चित रूप से आपके जीवन में। ऐसा बीज पड़ता है तो कभी फल आता है ना उसका। ये जो आज आप यहां पर आकर बैठे, मैं बैठा हूं यहां और आप और मैं ये चर्चा करने के लिए आकर बैठे, इसका बीज कभी पड़ा होगा, कभी कोई भाव आपके मन से निस्सृत हुआ होगा, कभी राधा वल्लभ कुंज विहारी के सन्मुख कह दिया होगा आपने, कह दिया होगा आपने, वृंदाविपिन बसो श्री स्वामी छाड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा। यहां पर आओ, बस इतनी याचना अवश्य करना, वो और वो भी राधा वल्लभ से नहीं, इतनी याचना इन तरु लताओं से अवश्य करना कि बसी के वृंदाविपिन में इतनो बड़ो सयान कि युगल चरण के भजन बिन निमिष ना दीजे जान। कि यहां पर वो संसार का मल, वो संसार के विक्षेप मेरी रसानुभूति को बाधित न करें, इतनी कृपा आप करना।